और वहीं वाराणसी के ज्ञान व्यापी मामले में सुनवाई आज होनी है और ऐसे में मस्जिद पक्षकारों की निगरानी याचिका पर सुनवाई होगी। तो सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक में चल रहा है ये पूरा मामला, ज्ञान व्यापी में नए मंदिर निर्माण को लेकर के ये पूरा मामला चल रहा है। दरअसल लंबे समय से जिस तरीके से ये याचिका दाखिल की गई है और फैसला अभी तक आया नहीं है, इस फैसले का इंतजार हर कोई कर रहा है। जब से अयोध्या का फैसला सुना दिया गया, लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई ज्ञान व्यापी मामले में, क्योंकि ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो मामला अभी भी फंसा हुआ है, इस पूरे मामले में जो दावपेच लगाए जा रहे हैं, ये उम्मीदें जताई जा रही है कि आज जो सुनवाई होनी है कुछ फैसला निकल सकता है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संतोष ओझा संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का जो मामला बताया जा रहा है उसको लेकर क्या सुनवाई होनी है, इस सुनवाई में क्या आज नया मोड़ कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए सुरभि, यदि केस की बात करें तो ये केस काफी दिनों से लंबित है, लेकिन पिछले दो सालों से केस में निश्चित तौर पर सुनवाई का दौर तेज हुआ है। ये केस पूरा मामला एक बार फिर से जब तब चर्चा में आई जब कोर्ट ने इस बात का डिसीजन दिया कि इसका खनन करा के भूमि को खुलवा के या खुदवा के ये देखा जाए कि यहाँ पे मंदिर है या नहीं है। निश्चित तौर पे इसके बाद जो पक्षकार हैं, दूसरे पक्षकार जिसे मुस्लिम पक्षकार कह सकते हैं, उन लोगों ने आपत्ति इस बात की जताई कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है, जिस कोर्ट ने ये आदेश दिया है, वो उनके सीमा क्षेत्र के बाहर है, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लिहाजा उन्होंने फिर से एक याचिका दायर की और उनकी अपनी सुनवाई पे, कोर्ट की सुनवाई पे पुनर्विचार की बात की। यही सुनवाई आज होनी है कि क्या कोर्ट जो जमीन खोल के या ये कहा जाए कि खनन करने के बाद इस जमीन की ये देखना कि यहाँ पे मस्जिद था या फिर मंदिर है, इस बात का पुख्ता प्रमाण लेना, ये बातों पे आज फिर से बहस होगी। देखने की बात ये होगी कि कोर्ट किस बात का निर्णय देता है, लेकिन जो माना जा रहा है वो ये कि निश्चित तौर पे कोर्ट एक बार फिर से हिंदू पक्ष में या ये कहा जाए कि उस जगह का भूमि खोदने के बाद ये पता लगाने का आदेश को रिन्यू कर सकता है कि आखिर मंदिर यहाँ पे है या नहीं है। अब देखने की बात होगी कि हियरिंग के बाद मामला क्या बनता है, क्या एक बार फिर से तारीख का दौर चलता है या फिर निर्णय कुछ आती है। जी ठीक संतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने।